अब आप सभी को लिए चलते हैं राजघाट। श्रेया चटर्जी हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। श्रेया, आपसे हम समझना चाहेंगे जिस तरह के वहां पर हालात हैं, हमने तो शायद नहीं देखा इतना पानी राजघाट के आसपास, आपने भी शायद नहीं देखा होगा अभी किस तरह का मंजर है। निश्चित तौर पर लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, अब उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे, तो क्या तस्वीरें हैं और क्या जानकारी है, आप दर्शकों को अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए राजघाट का जो इलाका है कहीं ना कहीं कल से हमने देखा है कि शांतिवन से लेकर गीता कॉलोनी तक का पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है और राजघाट का एक पोर्शन में ट्रैफिक रेगुलेटेड मूवमेंट में चल रही है। फिलहाल मैं किसान घाट के सामने मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग अभी भी है। हालांकि जो एक हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ रिलीफ है वो कल जब राजघाट का छवि हमने देखा तो कमर तक का पानी था, आज पानी का जो स्तर है वो यहाँ पे कम हुआ है और यहाँ पे जो सैंड बैग्स और जो सीमेंट बैग्स लगाए गए थे वो धीरे धीरे अभी रेस्टोरेशन वर्कर्स ने हटा दिया ताकि अंदर जो जमा हुआ पानी है किसान घाट और राजघाट में वो बाहर निकले। आप देख सकते हैं बहुत तेजी से अंदर से जो पानी है वो बाहर निकल रहा है क्योंकि यमुना का वाटर घट चुका है तो नए पानी तो नहीं आया है और धीरे धीरे जो पानी है वो राजघाट और किसान घाट से बाहर निकल रहा है। ड्रेनेज को क्लॉग ना रहे इसलिए 50 लोग राजघाट और इस एरिया में सिर्फ काम कर रहे हैं। हालांकि वाटर लॉगिंग अभी भी यहाँ से नहीं हटा है, टाइम लगेगा क्योंकि हम समझ सकते थे बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा हो गया है। सिर्फ एक राहत है कि यमुना का पानी घटने के कारण से नया पानी आज नहीं आया है। हालांकि IMD की तरफ से येलो अलर्ट है तो अगर कहीं ना कहीं बारिश हो तो ये और मुसीबत कर सकती है, लेकिन फिलहाल ये नजारा जो हम राजघाट से लेके आ रहे हैं जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कंप्लीट रेस्टोरेशन वर्क के लिए अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल हिमांशु, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। हिमांशु मुझे ये जानकारी दीजिए और दर्शकों को भी आप बताएं, जो ये हालात है क्या इसके लिए सिर्फ यमुना नदी ही जिम्मेदार है? बारिश तो हर साल आती है, यमुना नदी वही है, अतिक्रमण भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो फाइलों में दबी होंगी, अपनी तैयारी अपने इंतजाम कहां गए? क्योंकि हर बार मानसून, हर बार बारिश और वही हालात, लेकिन पिछले कई सालों का इतिहास आप देख लें तो यह नौबत नहीं आई थी। लोग क्या कह रहे हैं, असल मायने क्या, असल वजह क्या है? देखिए अगर सिर्फ यमुना ही जिम्मेदार है तो फिर जो हर साल अगर थोड़ी सी, अगर आप दिल्ली में आप देखिए अगर आधे घंटे की अगर बारिश हो जाती है, अच्छी बारिश हो जाती है तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी तुरंत लग जाता है और वो ऐसी जगह हैं जो आइडेंटिफाइड हैं जहां पता है कि वहां पानी लगेगा। एक तो यही ITO चौराहा, यहां पर जरा सी बारिश होती है तो ये जो पूरा इलाका है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ का जो पूरा है वो दिखाए, जहां पर आपको ये पानी दिख रहा है यहां पर तुरंत पानी लग जाता है। इसके अलावा अगर आप बदरपुर जाते हैं, मिंटो रोड की तरफ जाते हैं, रिंग रोड पे कई ऐसे इलाके हैं, सेंट्रल दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तुरंत पानी जमा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है और जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता है, कई जगहों पर ट्रैफिक जैम लगता है। तो बारिश अगर आधे घंटे की होती है और ये तस्वीर अगर दिल्ली की बन जाती है तो जब यमुना अगर 3 मीटर अगर ऊपर बह रही थी, जब खतरे के निशान थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। हालांकि अब 1 मीटर करीब पानी कम हुआ है लेकिन अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। आशुतोष,